दोस्तों, जिस प्रकार से आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे कैमरे के जो लेंसेस होती है उसमें दो अलग टाइप्स रहते हैं। एक रहता है प्राइम लेंसेस, एक रहता है जूम लेंसेस। लेकिन क्या आपको मालूम है क्या कि ये जो टाइप्स है इसके ऊपर भी एक बड़ी सी कैटेगरी है लेंसेस की, अलग अलग टाइप्स की। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और जानिए कि वो मेन कैटेगरीज या फिर मेन टाइप्स क्या है लेंसेस के, कि जिसके अंडर प्राइम लेंसेस और जूम लेंसेस ये दोनों प्रकार आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, फोटो वाला के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेंसेस के अलग अलग टाइप्स की। प्राइम और जूम लेंसेस तो है, लेकिन उसकी जो ऊपर की मेन कैटेगरी है उन लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्राइम लेंस क्या रहता है। प्राइम लेंस यानी कि जिसकी फोकल लेंथ फिक्स रहती है, यानी कि हम लोग उसमें जूम इन या फिर जूम आउट नहीं कर सकते हैं। मान लो 50 mm एक प्राइम लेंस है कि जिसमें हम लोग 50 से कम भी नहीं कर सकते और ज़्यादा भी नहीं कर सकते। उसके फिक्स रहती, यानी कि फोकल लेंथ फिक्स रहती है, इसलिए हम लोग उसको प्राइम लेंस बोलते हैं। और जूम लेंस क्या रहता है हमारा, 18, 55, 70, 200, ये जो लेंसेस है जिसमें हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जूम लेंसेस। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि समुंदर के अंदर एक स्टिंगरे मछली रहती है कि जिसके बॉडी के ऊपर के साइड पे आँख रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि स्टिंगरे मछली जो है ये ज़मीन को लग के चलती है समुंदर के अंदर, तो उसके वजह से उसके आँखें ऊपर रहती है, क्योंकि क्योंकि ऊपर से उस पर कोई अटैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये देखने के लिए, आगे क्या है पीछे क्या है ये देखने के लिए उसके आँखें ऊपर रहती है, ना कि नीचे रहती है या फिर सामने रहती है। तो बाकी की जो हमारी मछलियाँ रहती है उनकी अगर आप ठीक से देखोगे तो आँखें साइड में रहती है, एक ये साइड में एक ये साइड में, क्योंकि उनका जो व्यूविंग एंगल है उनको वो बड़ा चाहिए रहता है, क्योंकि वो समुंदर के बीच में रहती है। उनका खतरा यानी कि उनको खाने के लिए दूसरी मछलियाँ कहीं से भी आ सकती है, तो इसके लिए उनको ऑलमोस्ट 360 डिग्री कवर होता है। एक आँख ये साइड रहने के वजह से ये 180 करता है कवर, और ये साइड रहने से वजह से ये 180 डिग्री कवर करता है। लेकिन जो शार्क मछली रहती है ना, उसको सामने का दिखता है हमारे इंसानों जैसा। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि शार्क को अटैक करने वाला दूसरा शार्क ही रहता है, उसके एनिमीज ज्यादा नहीं है, इसलिए उसको वो किंग है समुंदर का, और उसी के वजह से उसको हमारे ह्यूमन की तरह यानी कि सिर्फ सामने की विजन दिखता है, ना वो ऊपर नीचे देख सकता है ना ज़्यादा 180 डिग्री पीछे तक कवर कर सकता है। तो जैसे कि मछली के रहन सहन अनुसार उसका बॉडी स्ट्रक्चर हमारे भगवान ने बनाया या फिर नेचर ने बनाया है बोल सकते हैं, उसी प्रकार से हमारे कैमरा लेंसेस के मोटो के हिसाब से उस लेंसेस को डिज़ाइन किया जाता है। आप टेलीफोटो लेंस लेके लैंडस्केप ठीक से शूट नहीं कर पाओगे या फिर उससे पूरी बिल्डिंग शूट नहीं कर पाओगे। अगर आप 400 mm की लेंस लेते हो और पूरी बिल्डिंग शूट करने जाते हो, वो ठीक से शूट नहीं हो पाएगी कि जितना हमें अच्छा रिजल्ट वाइड एंगल्स में मिलेगा। तो आइए बात करते हैं कि ये लेंसेस की मेन कैटेगरीज क्या क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले कैटेगरी आती है स्टैंडर्ड कैटेगरी, फिर उसके बाद आता है फिशाई लेंसेस, तीसरा आता है मैक्रो लेंसेस, चौथा आता है टिल्ट शिफ्ट लेंसेस, और पांचवा है सिनेमा लेंसेस। इसमें हम लोग पांचवा यानी कि सिनेमा लेंसेस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिनेमा लेंसेस बहुत ही हाई एंड पे यूज़ होती है और लिमिटेड यूज़ होती है, हमारे जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स उसको यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड लेंस की। स्टैंडर्ड लेंस यानी कि वो लेंस बनाइए नॉर्मली फोटोज़ खींचने के लिए, जैसे हमारी 18-55 लेंस हो गई, ये एक नॉर्मल किट लेंस है, क्योंकि उससे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर अल्ट्रा वाइड एंगल एकदम क्लोजअप नहीं ले सकते। ये एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ के लिए एक लेंस है, इसके लिए हर एक किट लेंस या फिर 50 mm की बोलो, 40 mm की लेंस बोलो, 60 mm, 35 mm, ये जो लेंसेस है ये स्टैंडर्ड लेंसेस है। जो हमारे स्टैंडर्ड लेंसेस रहते हैं उसमें भी दो कैटेगरीज रहती है अंदर, जो कि प्राइम लेंसेस और जूम लेंसेस। प्राइम लेंसेस स्टैंडर्ड्स में आती है 50 mm, 35 mm, 85 mm, ये जो लेंसेस है ये हमारे स्टैंडर्ड लेंस में आती है। और जूम लेंस में मोस्टली आते हैं किट लेंसेस, 18-55, 24-105, 24-70, 18-135, ये जो लेंसेस है ये सारे स्टैंडर्ड लेंसेस है, ये जो लेंसेस है ये सारे स्टैंडर्ड लेंसेस है, कि जिससे आप लोग डे टू डे लाइफ की जो यानी कि हमारी स्ट्रीट फोटोग्राफी बोलो या फिर किसी पार्टी फंक्शन की फोटोग्राफी बोलो, जो भी नॉर्मल फोटोग्राफी है वो कर सकते हैं इस लेंसेस से, इसलिए इसको स्टैंडर्ड लेंसेस बोलते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा कैटेगरी, आता है फिशाई लेंसेस। दोस्तों, आप कहीं पे भी चढ़ान पे या फिर ढलान पे, ज़्यादा करके मॉल के कार पार्किंग्स में जाते हैं
तो सामने की तरफ आपको एक आईना दिखता है जिसका जिसका आकार ऐसा गोल रहता है, जिससे कि मालूम पड़ता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। तो वो जो लेंसेस है ना, उसको हम लोग कहते हैं फिशाई लेंसेस, क्योंकि मछली की जो आंखें रहती है ये गोल रहती है, क्योंकि उसको 180 डिग्री तक देखना रहता है, उसकी वजह से उसकी आंखें गोल रहती है। और सेम इस लेंस में जो लेंस का आगे का एलिमेंट है ये ऐसा गोलाकार रहता है मछली के आंखों के द्वारा, इसी की वजह से इसको हम लोग कहते हैं फिशाई लेंसेस। इसके अंदर भी हमारे जूम लेंसेस है और प्राइम लेंसेस है। फिशाई लेंसेस में भी जूम लेंसेस आते हैं और एक प्राइम लेंसेस भी आते हैं। जूम लेंस में कहोगे तो 8 mm से लेके 15 mm ये जो रेंज है ये इसकी जूम लेंस है, और प्राइम लेंस इसमें कहोगे तो 10 mm का एक लेंस आता है। दोस्तों ये जो फिशाई लेंस है ना, इसका आकार आगे से गोल रहने की वजह से और एलिमेंट का अंदर का स्ट्रक्चर वाइड एंगल के लिए होने की वजह से ये ऑलमोस्ट 160-170 डिग्री कैमरे के सामने का एंगल कैप्चर कर पाता है। यानी कि मान लो मेरा ये कैमरा है और ये लेंस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी बीच में आ रहा है ये पूरा लेंस कैप्चर कर पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि एंड में ये डिस्टॉर्शन देगा हमें, कोनों में हमारी जो बिल्डिंग्स या फिर जो आदमी खड़े रहेंगे वो ऐसे टेढ़े दिखाई देंगे, क्योंकि फिशाई लेंस है, जो भी उसके कोने में रहेगा ये हमें थोड़ा सा टिल्टेड दिखाई देगा। यानी कि अगर बिल्डिंग रहेगी उसके एजेस में तो वो ऐसी टेढ़े दिखने लगेगी थोड़ी। ये रहता है डिस्टॉर्शन, ये रहता है एक ऑप्टिक्स ऑफ लॉ के वजह से कि हम लोग जितना वाइड जाएंगे उतना ही हमें डिस्टॉर्शन मिलता है। तो मैं अभी आपको कुछ इमेजेस दिखाता हूँ फिशाई लेंसेस से निकाले हुए, वो आप देख लीजिए कि ये कितना वाइड एंगल कैप्चर कर पाता है लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन आता है। ये जनरली यूज होता है लैंडस्केप्स के लिए, बड़ी सी बिल्डिंग के इंटीरियर का या फिर मॉल के इंटीरियर का शूट करना है, गोडाउन का शूट करना है, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 160 डिग्री पूरा कैप्चर करना रहेगा, तो उसके लिए ये लेंसेस का यूज होता है। दोस्तों हमारी तीसरी कैटेगरी है मैक्रो लेंसेस। ये लेंस सबसे ज्यादा यूज होता है ज्वेलरी शूट करने के लिए, प्रोडक्ट शूट करने के लिए, छोटे छोटे जो चींटियाँ होती है, मच्छर होते हैं, उनके शॉट्स निकालने के लिए। ये किसके काम के लिए आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम छोटा हो उसका हम लोग नज़दीक से जाके फोटो निकाल सकते हैं, इसके लिए ये लेंस बनाई गई है और इसको मैक्रो बोलते हैं। दोस्तों आप सबने माइक्रोस्कोप तो सुना ही होगा, वो इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट में भी हम लोग अंदर से डीप में जाके देख सके, इसलिए उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गन देखने के लिए ये उसका यूज होता है, वो स्कोप, यानी कि माइक्रो यानी कि सबसे छोटा का छोटा पार्टिकल देखने के लिए वो स्कोप का यूज होता है, इसलिए उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे स्टैंडर्ड लेंसेस रहते हैं उसका एक मिनिमम फोकल डिस्टेंस रहता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट और आपके कैमरे के बीच में अगर इतना डिस्टेंस रहेगा तो ये लेंस फोकस कर पाएगी। लेकिन मैक्रो लेंसेस जो रहते हैं ये माइक्रोस्कोप के जैसे रहते हैं, इसको आप लोग ऑब्जेक्ट के नज़दीक लेके जा सकते हो, जो कैमरा और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है माइक्रो लेंस में फोकसिंग करने का ये बहुत कम रहता है, कि जिससे कि आप लोग बोल सकते हैं कि चींटियाँ शूट कर सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो रहते हैं वाइल्ड लाइफ में वो शूट कर सकते हैं। और ये स्पेशली यूज़ होता है ज्वेलरी शूट के लिए, क्योंकि ज्वेलरी में पूरा डिज़ाइंस रहता है, छोटे छोटे उसमें डायमंड्स वगैरह रहते हैं, उस पर फोकस करने के लिए मैक्रो लेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैक्रो लेंस यूज़ किया जाता है छोटा सा ऑब्जेक्ट शूट करने के लिए कुछ भी रहेगा तो। इसमें मैक्रो लेंस में जूम की कैटेगरीज नहीं आती, इसमें सिर्फ प्राइम लेंसेस ही आती है, फिक्स फोकल लेंस वाली लेंसेस। और इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर लेंस है 100 mm की मैक्रो लेंस, उसके साथ उसके अलावा 35 mm मैक्रो, 65 mm या फिर 60 mm मैक्रो, 180 mm मैक्रो, ऐसे अलग अलग और भी लेंसेस आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है 100 mm की मैक्रो लेंसेस। तो अभी मैं आपको कुछ मैक्रो फोटोग्राफी दिखाऊंगा। इससे जो फोटोग्राफी की जाती है इसको मैक्रो फोटोग्राफी कहते हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अभी मैं आपको जो फोटोज दिखाऊंगा वो सारी मैक्रो लेंसेस से शूट की है।
दोस्तों हमारी अगली जो कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी, वो है टिल्ट शिफ्ट लेंस। ये ज्यादा करके यूज होता है, ये लेंस हम लोग आर्किटेक्चर शूट करते हैं, यानी कि लंबी सी बिल्डिंग शूट करनी है या फिर बहुत कुछ ऊंचा है उसको शूट करना है, तो उसके लिए हम लोग ये टिल्ट शिफ्ट लेंस यूज करते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग कोई भी फोटो खींचने जाते हैं तो अगर हमारे कैमरे के फ्रेम में ऊपर का पोर्शन आ नहीं रहा है तो हम लोग कैमरे को ऐसा टिल्ट कर दे और ऊपर का पोर्शन उसमें ऐड करते हैं हमारे फ्रेम में, या फिर नीचे का पोर्शन कुछ आ नहीं रहा है तो हम लोग इसे नीचे टिल्ट करते हैं। तो ये जब हम लोग करते हैं तो इससे होता है क्या है, इससे हमारे कैमरे के फ्रेम में डिस्टॉर्शंस आते हैं, जो कैमरे के नजदीक है वो ऐसे टेढ़े लगने लगते हैं और जो दूर है वो ठीक से लगने लगता है। टिल्ट शिफ्ट लेंस क्या करता है, ये सेम काम करता है, उसमें एक स्क्रू रहता है, वो लेंस को एक स्क्रू रहता है आगे, और वो स्क्रू हम लोग ऊपर या नीचे करने से लेंस हमारा टिल्ट होता है, शिफ्ट होता है, ना कि हमारी कैमरे की बॉडी। कैमरे की बॉडी हमारी सीधी की सीधी रहती है और ये लेंस जो है ये ऊपर नीचे करता है। जैसा कि अगर मुझे ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा लाना है फ्रेम के अंदर, तो मैं स्क्रू को ऊपर घुमाऊंगा तो लेंस मेरा धीरे 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 ऊपर जाएगा और अगर बराबर फ्रेम सेट होने के बाद मैं शूट कर पाऊंगा। अगर मुझे कुछ वैसे ही नीचे का पोर्शन ऐड करना है तो मैं स्क्रू घुमा के लेंस को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे का पोर्शन ज़्यादा देखने लगेगा और वो शूट कर पाएगा। इसमें हो रहा क्या है, हमारा कैमरा की जो बॉडी है वो स्ट्रेट रह रही है, उसके वजह से हमारे डिस्टॉर्शंस जो है कैमरे में आने वाला, या फिर विनियटिंग जो बोलते हैं, वो बहुत कम हो जाएगा, ना के बराबर ही रहता है। तो जनरली ये जो लेंसेस है ये हम लोग आर्किटेक्ट, बड़ी सी बिल्डिंग, कुतुब मीनार वगैरह जैसे ऊंचे टॉवर्स रहेंगे तो उसे शूट करने के लिए हम लोग टिल्ट शिफ्ट लेंस का यूज करते हैं। और ये जो टिल्ट शिफ्ट लेंस है ये भी प्राइम लेंसेस में आता है, जूम लेंसेस में आता नहीं है, यानी कि 17 mm वाइड हो गया, 50 mm का, 135 mm का, ये सारे 100 mm, ये सब अलग अलग टिल्ट शिफ्ट लेंसेस मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत ही कम नहीं बोल सकते, लेकिन जो आर्किटेक्चर शूट करते हैं, इंटीरियर्स या फिर बिल्डिंग्स को शूट करते हैं, वो ज़्यादा करके इन लेंसेस को यूज़ करते हैं। और हमारी जो आखिरी कैटेगरी है ये है सिनेमा लेंसेस। सिनेमा लेंसेस जो है इसके माउंटिंग्स थोड़े अलग रहते हैं, बनाने की बिल्ड क्वालिटी अलग रहती है, हमारे नॉर्मल कैमरे के बदले उसको रेड ड्रैगन का है, फिर ऐसे अलग अलग कैमरे की कंपनी है जिस पर उसको फिट किया जाता है। इसके जो इसमें भी हमारे पास प्राइम लेंसेस और जूम लेंसेस 1.3 से वगैरह चालू होते हैं, लेकिन इसमें जो जूम लेंसेस है इसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा रहती है, यानी कि हमारे पास 70-200 लेंस है तो उनके पास 30 mm टू 300 mm ऐसी एक बड़ी सी लेंस है। तो सिनेमा लेंसेज जो रहता है उसकी बिल्ड क्वालिटी अलग से रहती है, उसकी इमेजिंग कैप्चरिंग क्वालिटी भी अलग रहती है। अगर आप ये सिनेमा लेंसेज हमारे कैमरा नॉर्मल कैमरे को लगाते हैं, फुल फ्रेम कैमरे को, तो आप भी देख सकते हो कि ये लेंसेज कितनी अच्छी क्वालिटी की बनी रहती है और उसका जो रिजल्ट रहता है वो अलग ही रहता है, स्पेशली वो वीडियो में मालूम पड़ता है। और ये लेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम मैनुअल फोकसिंग लेंस रहती है, ये लेंसेस ऑटो फोकस या फिर स्टेबलाइजर के साथ आती नहीं है, वाइब्रेशन रिडक्शन के साथ आती नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा करके सिनेमा शूट करने के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पे हमारे पास प्रॉपर सेटअप रहता है जब सिनेमा शूट होता है, तो इसके लिए उसमें स्टेबलाइजर नहीं रहता है, फोकसिंग नहीं रहता, क्योंकि पूरा पिक्चर मैनुअल फोकस पे ही शूट किया जाता है प्रोफेशनली। तो आज की वीडियो में इतना ही मेरे दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और आपके जो कुछ सुझाव रहेंगे उसको कमेंट में नीचे डालिए, और आपको आगे क्या कंटेंट चाहिए या फिर ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट में लिखना मत भूलिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।